एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई व एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में गोरखनाथ थाने पर थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने बताया कि गोरखनाथ थाने पर थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया है, जिसमें अधिकतर मामले जमीन संबंधित आए, जिसमें दोनों पक्षों को बुलाकर बातचीत की गई। कुछ मामलों का आपसी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण कर दिया गया। उन्होंने कहा, थाना समाधान दिवस में कुल 5 मामले आए जिनका निस्तारण कर दिया गया। इसके अलावा जो मामले आ रहे हैं उनको मौके पर पुलिस व राजस्व की टीम भेजकर निरीक्षण करवाकर निस्तारण करने के लिए निर्देशित किया गया है। इस अवसर पर गोरखनाथ थाना प्रभारी मनोज कुमार सिंह सहित राजस्व की टीम मौजूद रही। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा, आप पहले महिला थाना जाइए, एक बार वो आपके पति को बुलाएंगे तो घर वालों को सबको बुलाएंगे। अरे भाई, दीवार तुम्हारी है, दीवार के बगल में तो उसकी भी जमीन है। आप उनको बुलाएंगे कौन है आयु भाई इसका? 11 बटा भाई इसका आयु कौन है? कहाँ का है? ये व्यक्ति आया कल, मुझे अच्छे से याद है, इसके मैं बकरी बांध दे रहा है दुकान से। कहाँ का है तुम्हारा? देख के आएगा किसका हल का है ये? ये सर रागरी जायसवाल है, लेखपाल यहाँ पे उनका थाना पत्ता की बंदा नहीं है ये सर। लक्ष्मीपुर जो है द्वारिकापुर दिलवाताल जाइए आप तुरंत थाने के उस थाने में ये दोनों लेखपाल लोग बता रहे थे। 1950 नंबर बाबा के नाम, अब ये किसी जमींदार के लड़के से ली है। बताइए सर, एक रजिस्ट्री दो बार में बना होगा नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह, एडीएम फाइनेंस गोरखपुर हूं और हम लोग अभी गोरखनाथ थाने पर बैठे हुए हैं। यहां एसपी सिटी सर बैठे हुए हैं। हम लोग, जैसा कि आप जानते हैं, समाधान दिवस में जो भी समस्याएं आती हैं, विशेष तौर पे जब हम दोनों लोग संयुक्त रूप से बैठे होते हैं तो जो ज़मीन से संबंधित समस्याएं हैं उनका निदान करते हैं, जिससे बाहर कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम ना हो और समाधान में आपसी बातचीत में ही मामले को निपटाया जा सके। अब तक यहाँ पे लगभग 5 मामले आए थे और लगभग सभी का समाधान हो गया है। एक ऐसा मसला है जिसमें राज्य में जो महिला आयोग है वहाँ पर भी वो श्रीवास्तव एक महिला है, वो गई थी, अभी उनके भाई साहब को बुलाया गया है। वो मसला केवल ऐसा है जो अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही उनके भाई साहब आ जाएंगे वो मसला तय हो जाएगा। शेष और जो भी ज़मीन से संबंधित मामले थे, आप यहाँ से नोट कर लीजिएगा किन किन के नाम थे, लगभग सभी यहाँ सुलझा दिए गए। मेरा अनुरोध है आम लोगों से, जो भी हम लोगों को सुन रहे हैं, ज़मीन से संबंधित जो भी मामले होते हैं बड़े आसानी से निपट जाते हैं,
समाधान दिवस पे यदि आप आ जाते हैं, मेरा अनुरोध है कि आपस में आप लड़े झगड़े न, अगले समाधान दिवस पे आप अपना मामला लेकर के आ जाएं और हमारा दावा है कि हम लोग उसको सुलझा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सामान्य तौर पर मामले ऐसे हैं कि एक बैनामा है और किसी दूसरे व्यक्ति ने दूसरा बैनामा ले लिया है और दोनों व्यक्ति ऐसा कह रहा है कि एक ही ज़मीन के बैनामे दो बार हो गए हैं, या किसी का बैनामा है और मौके पर कब्जा नहीं मिल रहा है, या बैनामा तो है कब्जा भी है लेकिन कोई ना कोई व्यक्ति हस्तक्षेप कर रहा है। इसी तरह के मामले हैं जिनमें टाइटल विवादित नहीं है लेकिन मौका विवादित है, उसी का समाधान हम लोग करा रहे हैं।